हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। क्या लेकर के आई हूँ आज मैं आप सबके लिए, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ एक DIY फेस वॉश पाउडर की रेसिपी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है और इसका गजब का रिजल्ट मिलता है। आप इसको एक बार अप्लाई करेंगे ना, और आप इसको बस 2 दिन यूज़ करके देखिए, उसके बाद जो इसका रिजल्ट मिलेगा ना, आप बिल्कुल हैरान होकर के रह जाएंगे। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और इस DIY फेस वॉश पाउडर को ज़रूर बनाइएगा, और कैसा रिजल्ट मिला ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक हम सूखा कोई सा भी बर्तन ले लेते हैं, जिसमें हम ये अपना DIY फेस वॉश पाउडर बनाएंगे। तो बर्तन आपका बिल्कुल सूखा होना चाहिए, और तो जितनी क्वांटिटी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो 1 हफ्ते तक यूज़ करने के लिए काफ़ी है किसी एक पर्सन के लिए। तो पहले आप थोड़ा सा ही बनाइएगा, और अगर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा लगे तो फिर आप इसको बल्क अमाउंट में बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक प्रकार की औषधि मिट्टी है। इसका उपयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है चेहरे के लिए, बालों को धोने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एल्प्स गुडनेस का लिया है मुल्तानी मिट्टी। तो इस वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो सब मैंने purple.com से परचेस किया है, और आप भी जा करके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी सेल चलती है वहाँ पर, बहुत ही सस्ते में आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो एप्स गुडनेस के हैं। और ये देखिए मुल्तानी मिट्टी हमने यहाँ पे लिया है, इसमें से हम सिर्फ 2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है सैंडलवुड पाउडर। जी हाँ, ये है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, ये ठंडक देता है और चेहरे की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको दूर करता है। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच उसी चम्मच से जिससे हमने मुल्तानी मिट्टी ली थी, 2 चम्मच चंदन पाउडर डालेंगे। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारा वो है अम्बा हल्दी। जी, एल्प्स गुडनेस का ही मैंने अम्बा हल्दी लिया है, और ये भी मैंने purple.com से ही मंगाया था। बहुत अच्छी हल्दी होती है, आपको इसमें नॉर्मल हल्दी नहीं यूज़ करनी है, आप या तो ये अम्बा हल्दी यूज़ करें या कस्तूरी हल्दी यूज़ करें। तो आप ये सारी चीज़ें चाहें तो लोकल मार्केट से भी ला करके यूज़ कर सकते हैं। बस सामान आपका प्योर होना चाहिए, तभी ये फेस वॉश पाउडर जो बनेगा वो अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो हल्दी मैंने सिर्फ 1 चम्मच उसी चम्मच से नाप करके डाला है। तो हल्दी स्किन के लिए हमारे बहुत अच्छी होती है, जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हल्दी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। और जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। जी हाँ, बेसन बहुत ही फेस के लिए अच्छा माना जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 चम्मच बेसन डाल रहे हैं। तो चेहरा धोने के लिए बेसन बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है, तो इसको आप इसमें ज़रूर शामिल करें। तो बेसन मैंने डाल दिया है, और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी। जी हाँ, इसमें हम 1 चम्मच भर करके कॉफ़ी डालेंगे। कॉफ़ी भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये आपकी स्किन को इवन टोन देगा, और साथ ही जितनी भी स्किन की इम्प्योरिटीज़ है उसको दूर करेगा। और जो इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये जो दरदरा सा ग्रेन्यूल्स दिख रहा है आपको, ये आपके लिए स्क्रब का काम करेगा। तो इस फेस वॉश को यूज़ करने के साथ साथ आपको किसी भी तरह के कोई भी स्क्रब को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम सिर्फ इस फेस वॉश से ही चल जाएगा। और ये फेस वॉश इतना अच्छा है, यकीन मानिए, कि आपको किसी भी क्लीनअप की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 से 4 दिन इसे इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपका चेहरा बिल्कुल ग्लास की तरह क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छा इफेक्ट देगा ये आपको। आप इसको ट्राई एक बार करके फिर मुझे बताइएगा। तो सभी इंग्रेडिएंट मैंने डाल दिए हैं, अब चम्मच से इसको अच्छे से मिला लेना है। जब तक मिलाना है जब तक ये बिल्कुल एक तरह का पाउडर सारी चीज़ें इसमें एक सार ना हो जाए, एकदम से ये मिक्स ना हो जाए और इसकी एकदम इवन टोन ना आ जाए। फ्रेंड्स, ये जो फेस वॉश पाउडर मैं बना रही हूँ, ये इसका रिज़ल्ट इतना गजब का है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब आपको इसका अंदाज़ा होगा। मैंने अभी कुछ ही समय से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना अमेजिंग है कि मैंने सोचा कि मैं इसे आपके साथ शेयर करूँ। और आप अगर इसे बनाएंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जो है किसी एयर टाइट कंटेनर में या किसी डिब्बे में भर करके स्टोर कर लेंगे। तो जिस भी डिब्बे में आप इसे स्टोर करें वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरह से किसी भी डिब्बे को सुखा करके उसमें इस पाउडर को आप स्टोर कर लें, और किसी भी टाइम आपको जब भी फेस वॉश करना हो तो आप इसका थोड़ा सा अमाउंट लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि इसे हमें कैसे यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगी कि कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये देखिए इसका टेक्स्चर, हमारा फेस पाउडर बन करके तैयार है और बहुत ही कमाल का फेस पाउडर है। तो दोस्तों, यकीन मानिए, जो रिज़ल्ट इस फेस पाउडर से मिलता है वो किसी भी महंगे से महंगे फेस वॉश से नहीं मिलता है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ।
तो देखिए बेहतर तो यह है कि आप हल्का गुनगुना पानी लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं। तो मैं अपने हाथ पे इसका डेमो करके बता रही हूँ, इसको इसी तरह से आपको अपने फेस पे भी यूज़ करना है। तो जहाँ पे भी यूज़ करना है उस जगह को आप पहले पानी से वेट कर लीजिए, हल्का सा गीला कर लीजिए इस तरह से, और थोड़ा सा एक चुटकी बस ले करके अपने हाथ पे इस तरह से हल्के हल्के से मलिए। हमें गीली स्किन पे इसको अप्लाई करना है, याद रखिएगा, ड्राई नहीं करना है, ना इसका पेस्ट बनाना है ना कुछ करना है, बस थोड़ा सा पाउडर लेकर के गीली स्किन पे इसको धीरे धीरे स्क्रब करते हुए लगाना है। फेस पे अगर लगा रहे हैं तो नाक वाले एरिया में और लिप्स के ऊपर वाले एरिया में अच्छे से स्क्रब करिए, क्योंकि वहाँ की स्किन ज़्यादा डार्क होती है और वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसको लगाने से सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से लगाते हुए 1 से 2 मिनट तक आपको हल्का हल्का मसाज करना है। इसका आपको फेस पैक की तरह यूज़ नहीं करना है, बस फेस वॉश की तरह यूज़ करना है, आप समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए इस तरह से लगा के हल्का हाथ गीला करते हुए हमें इसे अच्छे से रब करते रहना है। तो इस तरह से लगाते हुए हल्के हाथ से मसाज करते हुए हमें अपना फेस क्लीन करते जाना है इस तरह से, देखिए। तो बस हल्का संभल करके स्क्रब करते हुए एकदम आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के बाद हम पानी से इसे धो लेंगे, और धोते ही बिल्कुल स्किन में आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चूँकि मैं इसे रेगुलर यूज़ कर रही हूँ इसकी वजह से मेरा यहाँ पे स्किन टोन काफ़ी क्लियर हो चुका है। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज़ करिए और फिर आप फ़र्क देखिए। दोस्तों ये फेस वॉश पाउडर बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट देता है, आप इसको एक बार ज़रूर आजमाइएगा, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।